welcome on my youtube channel students this is the seventh lecture of gmit lecture series in this lecture we will discuss seventh important theorem of gmit the statement of the theorem is theorem the statement of the theorem is let a n let a n a n is a sequence of let a n is a sequence of is a sequence of

union n equals to 1 to infinity a n union n equals to 1 to infinity an is equals to x is equals to x and if if x of a of n of f x of a n f is measurable is measurable for each n for each n फ इज मेजरेबल फंक्शन देन एफ इज मेजरेबल फंक्शन तो एफ क्या होगा मेजरेबल फंक्शन होगा ठीक है क्या कह रही है थे अगर ए एन कोई सीक्वेंस है ऑफ लोकली मेजरेबल सेट्स की अगर ए एन सीक्वेंस है लोकली मेजरेबल सेट की सच दैट की यूनियन एफ इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन किसी केक्वल है एक्स के एंड इफ एक्स ऑफ ए एन इक्वल्स टू एफ़ और x ऑफ ए एन किसके इक्वल है f के इज मेजरेबल और वो क्या है मेजरेबल फॉर ईच एन देन f इज मेजरेबल फंक्शन कि क्या अगर ए एन सीक्वेंस है लोकली मेजरेबल सेट की और वो किस टाइप की है यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिटी एन इक्वल्स टू x तो इफ और x ऑफ ए एन f क्या है मेजरेबल है फॉर ईच एन के देन हमें प्रूव करना है f क्या है मेजरेबल फंक्शन लेट्स प्रूव इट प्रूफ ठीक है कैसे करेंगे हम लेट हमने लेट कर लिया जो हमारा जी एन है जी एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए ऑफ एन ऑफ एफ कि जी एन किसके इक्वल है एक्स ऑफ ए ऑफ़ एन ऑफ एफ ठीक है अब हम क्या जानते हैं देन वी नो दैट देन देन वी नो दैट वी नो दैट देन वी नो दैट हम जानते हैं देन वी नो दैट हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि एन ऑफ़ जी ऑफ एन एन ऑफ जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए एन इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ बच्चा इसमें ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी ठीक है इसको आपको याद करना पड़ेगा और इसी के बेस पर आगे सारा क्वेश्चन चलेगा ठीक है आपको क्या याद करना पड़ेगा कि एन ऑफ़ जी ऑफ एन इज़ इक्वल्स टू ए एन इंटरसेक्शन एन ऑफ़ एफ ठीक है किसके इक्वल है ठीक है बच्चों जो हमारा एन ऑफ एफ है वो इक्वल है एक्स इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ के अच्छा अब स्टेटमेंट में हमारी x किसके n ऑफ x किसके इक्वल था इन दिस स्टेटमेंट हमारा x जो इक्वल था वो यूनियन n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन के इक्वल था ठीक है स्टेटमेंट में देखिए यही था देखिए आप कि यूनियन n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन किसके इक्वल है x के अब हमने वही चीज को हमने यहाँ पे पुट करना है ठीक है तो करेंगे पुट देखिए कैसे करेंगे कि एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन ठीक है इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ हो जाएगा ठीक है यहाँ तक आई होप आप आपका क्लियर है आपको ये याद करना पड़ेगा और क्या है कि एन ऑफ एफ इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ अगर एक्स का आप इंटरसेक्शन करेंगे एन ऑफ एफ के साथ तो आपका क्या आएगा एन ऑफ एफ ही आएगा ना ठीक है और एन ऑफ एफ और एक्स की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ ठीक है अब आपको पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू एन ऑफ़ एफ यूनियन ये क्या बन जाएगा यूनियन ऑफ एन इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ ठीक है आपने इस यूनियन को बाहर ले लिया और एन इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ कर दिया ठीक है यहां तक क्लियर है आप सबका अब आपने क्या किया था आपने पीछे एन ऑफ जी एन एन ऑफ जी एन किसके इक्वल है एन ऑफ जी एन इज इक्वल टू ए एन इंटरसेक्शन एन ऑफ f के इक्वल है ठीक है बच्चों n ऑफ gn किसके इक्वल होता है an इंटरसेक्शन n ऑफ fk तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि n ऑफ f इज इक्वल्स टू यूनियन n 1 टू इंफिनिटी ठीक है n ऑफ gn लिख सकते हैं इसको आप यहाँ तक क्लियर है आपका कुछ नहीं किया आपने इंटरसेक्शन एन एफ रखा एक्स की वैल्यू पुट करी यूनियन को भार ले लिया ए एन इंटरसेक्शन एनओफ एफ हो गया और आपको पता है कि ए एन इंटरसेक्शन एनओ एफ को आप क्या लिख सकते हैं एन ओफ जीएन लिख सकते हैं ठीक है सीन्स जो हमारा जीएन है जीएन इज मेजरेबल जी क्या है हमारा मेजरेबल एबल जी क्या हो गया हमारा मेजरेबल हो गया ठीक है अगर जी हमारा मेज़रेबल है तो हम कह सकते हैं कि एन ऑफ़ जी एन इज मेज़रेबल ठीक है अगर जी एन मेज़रेबल है तो हमारा एन ऑफ़ जी एन भी क्या होगा इज मेजरेबल ये भी क्या हो जाएगा मेजरेबल हो जाएगा ठीक है अगर ये मेज़रेबल हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि एन ऑफ एफ़ एन ऑफ एफ़ की क्या हो जाएगा मेज़र रेबल ठीक है क्यों हो जाएगा क्योंकि एन ऑफ जी ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ और एन ऑफ एफ भी क्या हो जाएगा मेजरेबल हो जाएगा ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब आप क्या करेंगे अब आपने नाव है अब आपने क्या किया नाउ लेट किया हमने जो एम बिलोंग कर रहा है बी में से बी इज अ बोरल सेट एम किसमें से बिलोंग कर रहा है बी में से तो आप इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ इन वर्स ऑफ एम इज इक्वल्स टू एक्स सब इज इट बिलोंग्स टू एक्स सच दैट की एफ ऑफ एक्स किस में से बिलोंग कर रहा है एम में से ठीक है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बोरल सेट ठीक है कि एफ इन वर्स ऑफ एम इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू

एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू ए एन ठीक है सच दैट कि एफ ऑफ एक्स किसमें से बिलोंग कर रहा है M में से ठीक है बच्चों अच्छा अब आपको पता है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यूनियन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स बिलोंग्स टू ए एन सच दैट कि जी ओ फैन ऑफ एक्स किसमें से बिलोंग कर गया हमारा एम ए से ठीक है जी ओ फैन ऑफ एक्स किसमें से बिलोंग कर गया एम ए से और इसको ये वहाँ जाके इनवर्स में हो जाएगा एन इक्व टू वन टू इन्फिनिटी एक्स बिलोंग्स टू ए एन ठीक है यहाँ ये जी एन है तो वहां जाके इनवर्स में हो जाएगा हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी एन इनवर्स ऑफ एम ठीक है तो आप क्या कहेंगे अब आप कहेंगे अगर एक्स एस में से बिलोंग कर रहा है और एक्स में से बिलोंग कर रहा है तो जो एक्स है वो बिलोंग करेगा यूनियन एन इक्वर्स टू वन टू इंफिनिटी ए एन इंटरसेक्शन जी एन इनवर्स ऑफ एम से ठीक है अब आपको क्या पता है आपको पता है जो जी एन है वो क्या है जी एन इज मेजरेबल जी एन क्या है मेजरेबल है अगर जी एन मेजरेबल है तो जी इनवर्स ऑफ एम जी एन इनवर्स ऑफ एम क्या होगा इज लोकली ऑफ़ एम इज लोकली मेजरेबल ये क्या हो जाएगा लोकली मेजरेबल हो जाएगा ठीक है अगर ये लोकली मेजरेबल हो जाएगा ऑल्सो जो हमारा ए एन है वो भी क्या हो जाएगा मेजरेबल ठीक है मेजरेबल तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे ए एन इंटरसेक्शन जी एन इनवर्स ऑफ एम इज लोकली मेजरेबल इज लोकली मेजरेबल ठीक है देन दे आर फोर यूनियन एंड इक्वल्स टू वन टू इंफिनिटी ए एन इंटरसेक्शन जी एन इन ऑफ एम भी क्या हो जाएगा लोकली मेजरेबल हो जाएगा इज लोकली मेजरेबल ठीक है लोकली मेजरेबल तो आप क्या कह देंगे कि एफ इन वर्ड्स ऑफ एम इज लोकली मेजरेबल इज लोकली मेजरेबल ठीक है इज लोकली मेजरेबल देन एफ इज मेजरेबल अगर एफ ऑफ इन वर्ड ऑफ एम लोकली मेजरेबल है बच्चे तो एफ़ हमारा क्या हो जाएगा मेजरेबल हैंड्स प्रूव्ड हैंड्स प्रूव्ड बच्चा ये जो सारे के सारे थ्योरम्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं ठीक है थीके? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच